दोस्तों भारत के काफी सारे लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास एसएमएस आया है वैक्सीन कंफर्मेशन का, बहुत सारे लोगों के पास एसएमएस नहीं आया है। तो आज हम लोग दोस्तों चेक करेंगे कि जिनके पास एसएमएस नहीं आया है क्या उनके सर्टिफिकेट तैयार हुए हैं कि नहीं तैयार हुए हैं, और जिनके पास एसएमएस भी नहीं आया और उनके सर्टिफिकेट भी तैयार नहीं हुए तो क्या कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट पाने के लिए। आज के वीडियो में यही हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। दोस्तों कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए क्रोम ब्राउजर में लिखेंगे कोविन, आपके सामने लिख कर सर्च करेंगे, आपके सामने पहला लिंक आएगा, इसके ऊपर में हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये वाले वेबसाइट है kowin.gov.in, उसके बाद यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने वैक्सीन सर्विस शो होगा, इसके ऊपर में हमें दोस्तों क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये देख रहे हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर हम लोग मारेंगे, और मारने के बाद दोस्तों यहाँ बोल रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आपने दोस्तों वैक्सीन लेते वक्त दिया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहेगा इंटर ओटीपी, तो उस जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वैक्सीन लेते वक्त वो ओटीपी को यहाँ पर, उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डाल देंगे, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट बने होंगे तो शो होंगे, नहीं तो आपको जैसे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। उसके नीचे देखिए मेरा शो हो रहा है, नीचे सर्टिफिकेट शो हो रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, तो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके आपको एक बार दोस्तों दिखाते हैं। आप यहां देखिए 3 डॉट हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहां देखिए पीडीएफ फाइल हमारा डाउनलोड हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट सक्सेसफुली हो गया, जो कि एसएमएस नहीं आया था, लेकिन आगे आपको बताऊंगा। सो गाइस देखा आपने कितने आसानी से हमारे वैक्सीन की सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गए, जो कि हमारे पास एसएमएस नहीं आया था कि हमारे वैक्सीन हमें लग चुके हैं। लेकिन जिनके दोस्तों एसएमएस आ गए हैं वो तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जिनका एसएमएस नहीं आया है तो दोस्तों क्या करेंगे, जहां पर अपने वैक्सीन लगवाए थे वहीं पर जाएंगे और जाकर उनको रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे कि सर हमने वैक्सीन तो ले लिया है लेकिन हमारे सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे सर्टिफिकेट को रजिस्टर कर दिया जाए, क्योंकि सर हमें कहीं भी कोई जरूरत पड़ता है जहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं तो हमें दिक्कतें आती है, तो सर आप हमारे वैक्सीन को रजिस्टर कर दीजिए। ऐसे बोलेंगे आप लोग वहाँ जाके तो वो लोग आपका मदद करेंगे और आपकी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे। सो गाइस आई होप कि हमारे वीडियो काफी पसंद आया है, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस जीरो को डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में।